नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 5। तो आज है पांचवा दिन। तो सबसे पहले नारद जी बोले कि हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। तो श्री नारायण बोले कि हे पाप रहित हे नारद, जो हरि से मल मास के प्रति कहा वह हम कहते हैं। सुनो हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं। सुनो, मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला कि हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला कि हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहते हुए ऋषिकेश हरि बोले कि श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निशिचर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले कि हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण की हुई माला पहने हुए, वन माला से विभूषित उत्तम रत्न भरण धारण की हुई, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कसूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार, परे से भी परे निष्प्रिय निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे सर्व शक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीरी ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वह हम दोनों चलते हैं। वह श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले कि ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली नित्य असंख्य विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभु की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं, हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित हैं। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है जिसकी भूमि रत्न में है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है, आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है, और उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है और वहाँ पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं, और उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। अब उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं।
गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है और उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है और सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण हैं जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं और अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित हैं, त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है और वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शत पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले और करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त, पीताम्बर धारण किए हुए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्तंभ वाले और कौस्तुभ मणि से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ी चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले निष्प्रिय विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी राम मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य और समस्त मंगलों के मंगल परमानंद के राजा सत्य रूप कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित समस्त सिद्धों के स्वामी संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप अशेष सिद्धियों के दाता माया से रहित ईश्वर नर गुण रहित नित्य शरीरी आदि पुरुष अव्यक्त अनेक है नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप भक्तों को शांति देने में परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले कि ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु आदिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म लोक गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इति ब्रह्मण्डीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचमो अध्याय। जय जय श्री राधे।